नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय माता दी। फाइनली हमारा बुलावा आ गया वैष्णो देवी का, तो मैं और तारिका जो है आ गए हैं कटरा वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए। आपको इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाली हूँ कि हमने यात्रा कैसे करी और डिटेल्स बताऊँगी जो नए नए कुछ कुछ रूल्स आए। अभी मेरे हाथ में आप ये IRDF का कार्ड देख रहे हो, ये भी बहुत कंपल्सरी हो गया है जो हमने यहाँ से लिया है। और दूसरी चीज़, हम इस बार नया वाले रास्ते से जा रहे हैं जो कि ताराकुंड मार्ग है। हमेशा इससे पहले मैंने जितनी बार भी मैं वैष्णो देवी आई हूँ उसके ब्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं बाणगंगा वाले रास्ते से गई हूँ, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम नए वाले रास्ते से जाएं और आप लोगों को भी बताएं कि नया वाला रास्ता कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और सब कुछ आपको डिटेल में इस ब्लॉग में मिलेगा। तो यह वीडियो को आखिरी तक देखना और माता रानी के दर्शन करने बस हम जा रहे हैं। अभी बस शुरुआत करने वाले, टाइम 1:30 बज रहे हैं। हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली से ट्रेन से, और कल रात में थोड़ा सा वापस लेके चलती हूँ। जब हमने ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट मिस हो चुकी थी और लगा था शायद माता रानी नहीं बुला रहे हमको, पर मिल गई हमको ट्रेन, हम आ गए हैं। आप वो देखो, उसके बाद बस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भैया 15 नंबर प्लेटफॉर्म किधर से पास पड़ेगा? चलो भागो। तारिका तेरे साथ मैं जब भी जाती हूँ हमारी ट्रेन का ऐसी होता है, डोंट नो व्हाई। भाग 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 भाग, मेरे का भाग हो रहा है आज। तत्काल भाग सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। हम फाइनली पहुंच गए हैं कल रात की जर्नी के बाद, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हैं। हमारी होटल हमने यहाँ पे पीछे बुक करी है जहाँ पे हम सिर्फ रुकने के लिए, मतलब बेसिक सी है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि होटल ही नहीं मिल रही थी। और फिर हमने फाइनली वो बुक करी और अभी हमने यहाँ पर मधुबन रेस्टोरेंट करके मेन रोड में ही, और गजब की भीड़ है। और मेरे साथ तारिका आफ्टर सो लॉन्ग ऑन माय ब्लॉग। हम लोग आराम से बात करेंगे, पर बहुत हल्ला है थोड़ा। तो जी, जैसा मैंने मेंशन किया कि हम नए वाले रास्ते ताराकोट मार्ग से हमारी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, तो ये है नए रास्ते का एंट्रेंस। यहाँ पे एंटर करते ही आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, यहाँ तक आपको ऑटो वाले भैया ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से आपको पर्ची लेनी है, उसके बाद यात्रा शुरू करनी है। पूरे रास्ते में ऐसे शेड्स बने हुए हैं और आपको धूप बिल्कुल नहीं लगेगी। रास्ते में थोड़ा बहुत स्नैक्स लेने के लिए और खाने पीने के लिए मैकडी नया नया खुला है, तो हमने कॉफ़ी पी, थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी दोनों ने। उसके बाद एनर्जी लेकर हम फिर से निकल पड़े यात्रा के लिए, और बीच बीच में आपको बीकानेर वाला और थोड़े बहुत और कैंटीन्स चाय कॉफ़ी के लिए मिल जाएंगे। वॉशरूम्स बहुत क्लीन है इस रास्ते में, जितने भी वॉशरूम्स हैं बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत कम है। पानी के लिए ठंडा पानी आपको वहाँ पर प्याऊ हर जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर मिल जाएगा। ताराकुंड वाले मार्ग में वहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर कितने देर तक लंगर चल सके मंदिर चल के देखते हैं। अभी हमने बाहर से ही जस्ट देखा है, तो लेट्स गो और चेक करते हैं कि क्या टाइमिंग है लंगर के। तो अगर आप ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो आपको कुछ 1-1.5 घंटा चलने के बाद लंगर दिखाई देगा। बहुत ही बड़ा ये लंगर है जो कि दिन भर चलता है, और यहाँ पर लंच के टाइम हम पहुँचे थे तो हमें प्रसाद में मिला दाल चावल और कद्दू की खट्टी मीठी सी सब्जी। हमने वो लंगर का प्रसाद लिया और बहुत अच्छा लगा। दो, हमें इतनी भूख नहीं थी फिर भी हमने एक ही प्लेट में लिया ताकि खाना हम वेस्ट ना करें। ओके एवरीबॉडी, तो हम ना अभी अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। अर्धकुमारी के हम दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमने, कहते हैं अर्धकुमारी में जो गर्भ गुफा है उसके एक ही बार दर्शन होते हैं, वो हमने कर लिए हैं पहले। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही जा रहे हैं। ये रास्ता यहाँ पर पुराना वाला और नया वाला दोनों मिलता है, तो यहाँ से हम जाएंगे। पर हम अपना लक ट्राई कर रहे हैं ईवी, जो गाड़ी चलती है इलेक्ट्रिक वाली, बैटरी वाली, उसके लिए, क्योंकि तारिका की तबीयत थोड़ी सी खराब है और हम देख भी लेते हैं क्या प्रोसेस होता है। ऑनलाइन तो हमने नहीं बुक की है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, पर ऑनलाइन में जब अगर स्लॉट पे जिन्होंने बुक किया है वो नहीं आए हैं तो ऑफलाइन वालों को प्रेफरेंस मिलता है और उनको मिल जाता है वो सीट। तो हम देखते हैं, अगर हमें मिलता है तो हम ईवी से चले जाएंगे। और हाँ, लेट्स सी, अभी तक तो बढ़िया हम चल के आ गए। 4:30 बज गए, हमने काफी टाइम लिया है, पर धीरे धीरे ईवी के लिए हमने अपना लक तो ट्राई किया पर हमें नहीं मिल पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुक थी। बिकॉज ऑफ वीकेंड, वीकडे पे अगर आप जाते हैं तो शायद आपको मिल सकता है, पर वीकेंड पे तो भूल ही जाओ। बट बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, और सनसेट का भी टाइम हो रहा था, तो देखते देखते हमें
हमारी यात्रा कैसे हो गई हमें पता ही नहीं चला, और इतने सारे लोग चलते हुए, लोगों को देख के जयकारे लगाते हुए, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। रास्ते में एटीएम भी है अगर आपको कैश विड्रॉ करने हैं कहीं कहीं पर। ऑल्सो बीच बीच में कुछ चेक पोस्ट भी होते हैं, और मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा हैवी सामान कैरी ना करो, जितनी जरूरत की चीजें सिर्फ वो लेकर चलो, तो आपको चलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आप पूरे रास्ता जो है आसानी से तय कर लोगे। और इन सुंदर नज़ारों को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि इन्हें देखते देखते ही तो रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए भवन, और भवन पहुंचते ही जो सुकून मिला है, ओहो, हमने तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया है। खुशी एकदम से आ गई, और सनसेट हो रहा था, गोल्डन आवर उस टाइम पे पहुंचना, तो ऐसा लगा कि माता रानी का ही आशीर्वाद है। आज ही तो टाइम हो रहा है 6:45 का, और हम पहुंच गए हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर के जस्ट सामने। और हम लोगों को फिर भी कंपैरिजन में लोगों से ज़्यादा टाइम लगा, पर हम स्लोली स्लोली आ गए आराम आराम से। अभी आरती का टाइम है, तो इस टाइम पे क्या है कि मंदिर के दर्शन बंद होते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी हम थोड़ा सा शांति से बैठेंगे मंदिर के पास जाके। अभी तो हम जस्ट यहाँ से व्यू देख रहे थे, तो एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है यहाँ पर, और लॉकर कितने हैं वो सब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। अभी हम व्यू एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर खड़े हो गए, ऐसे सुकून वाला टाइम थोड़ा ले रहे हैं। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं मंदिर में, और हम नीचे वापस कटरा की ओर चल पड़े हैं। और दर्शन के बाद हमने थोड़ा सा खाना खाया, और उसके बाद हम निकल गए हैं। एंड हाँ, हमें आई थिंक अभी 2 घंटे हो गए चलते हुए, मतलब हमने अर्धकुमारी क्रॉस किया है। हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि सेम डे जाना सेम डे आना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है, बट हमारी सुबह ट्रेन है 9 बजे की, तो वी हैव टू रीच। और हमें होटल में फिर थोड़ा सा मे बी टाइम मिला तो रेस्ट करेंगे, नहीं तो सामान वामान पैक करके बस निकलना पड़ेगा। तो यस, वो प्लान है। अभी कुछ टिप्स है जो, हाँ जी एवरीबॉडी, सो हम वापस आ गए वैष्णो देवी से, और हम घर पहुंच गए हैं। तो मैंने सोचा आराम से बैठ के इत्मीनान से आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम, क्योंकि हमने नया वाला रास्ता लिया था, तो उसके क्या क्या प्रोज है, और अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको नया रास्ता क्यों चूज करना चाहिए ना कि पुराना वाला। पहले मैं आपको प्रोज बताऊंगी, उसके बाद एक आध दो कॉन्स है उसके, उस वाले रास्ते के, और उसके अलावा सब कुछ सही है। तो सबसे पहला, ताराकुंड रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको पर्ची के लिए जो है बिल्कुल लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। यात्रा पर्ची अभी रिसेंटली थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको एक आई कार्ड जैसा IRDF कार्ड मिलता है, जो कि आपको रखना होता है, और उसके पहले आपकी एंट्री होती है। तो नए वाले रास्ते में बिल्कुल भी लाइन नहीं थी यात्रा पर्ची लेने के लिए, तो आपको वो इजीली मिल जाएगा, विदिन 5 मिनट्स हमें मिल गया, और लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। नंबर 2, वो रास्ता बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि वहां पे घोड़े खच्चर ये सब कुछ भी नहीं चलता है, तो उस रास्ते में गंदगी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा और शांति वाला रास्ता है। आप इत्मीनान से माता रानी का नाम लेते हुए वहां से चल सकते हो, और बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो एक पेस पे चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से धीरे 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 करके जल्दी पहुंच जाओगे। और वही अगर आप नए पुराने वाले रास्ते से जाते हो तो वहां पर घोड़े खच्चर पालकी ये सब साथ में उसी रास्ते से जाते हैं, और साथ में रास्ता भी बहुत गंदा होता है बिकॉज घोड़ों की वजह से। ऑल्सो वहां से जो सामान होता है ऊपर ले जाने वाले, वो घोड़े खच्चर भी जाते हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, उस चक्कर में आप एक स्पीड में नहीं चल पाते हो और आपको लेट होता है। नंबर थ्री, उस रास्ते पे जो भी वॉशरूम है, पानी प्याऊ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरे वॉशरूम्स हैं। वही अगर आप पुराने रास्ते से जाते हो तो बहुत गंदे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वहीं से जाते हैं, और वो पुराना रास्ता, क्योंकि लोगों को शायद अभी भी नहीं पता है नया रास्ता खुल गया है, तो लोग पुराने रास्ते से ही जाते हैं, और वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऑल्सो नए वाले रास्ते से जाने का एक और फायदा है कि आपको वहां पर रास्ते में लंगर मिलेगा, जो कि नया शुरू हुआ है कुछ 2-3 साल पहले, जब मैं अकेले गई हुई थी वैष्णो देवी। उसका भी व्लॉग मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, या यहाँ पर कार्ट में ऐड कर दूंगी, आप वो वाला व्लॉग भी देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। और लंगर नए वाले रास्ते में है, जैसे ही आप
चलना शुरू करोगे विद इन एन आवर आपको लंगर आ जाएगा। तो लंगर में आप प्रसाद ले सकते हो, वही पुराने वाले रास्ते में कोई लंगर नहीं है। और नए वाले रास्ते में मैकडी है, बीकानेर वाला है, और छोटे छोटे कैंटीन्स है श्राइन बोर्ड के, जहां पर आप चाय कॉफी ये सब ले सकते हो, वो दोनों रास्तों में है। बट एज कम्पेयर टू पुराने वाले रास्ते, अगेन नए वाले रास्ते में सब कुछ बहुत साफ सुथरा और हाइजीनिक है, क्योंकि अगेन वहां पर लोगों की भीड़ कम है। और लोगों की भीड़ कम है इसलिए वो रास्ता हमने चूज किया। और मैं चाहती हूँ अगर आप भी जा रहे हो तो आप वो शांति वाला रास्ता चूज करो, क्योंकि आप मन में भगवान का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए, जयकारे लगाते हुए शांति से जा सकते हो। और पुराने वाले रास्ते में भसड़ बहुत ज्यादा है। बस एक चीज है जो कि नए वाले रास्ते में नहीं है, वो ये कि बाण गंगा जो है वो ऑब्वियसली पुराने वाले रास्ते में उसका टेम्पल है, और बीच में एक आध दो और टेम्पल आते हैं जैसे चरण पादुका और महादेव का मंदिर और ऐसे कुछ कुछ जो टेम्पल्स आते हैं। तो अगर आपने वैष्णो देवी की यात्रा पहले करी हुई है तो आप वो स्किप कर सकते हो, जैसा कि हमने किया। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्क्रीन में एक मैप डाल दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से कौन सा रास्ता है। तो वैष्णो देवी जाने के दो रास्ते हैं, एक पुराना बाणगंगा से होता हुआ, दूसरा ताराकुंड वाला। दोनों जाकर मिलते हैं अर्धकुमारी में। अर्धकुमारी से आपको एक रास्ता जो है वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, नया वाला और पुराना वाला, तो आप वहीं से जाते हो, एक ही रास्ता है। फिर दूसरा रास्ता जो है वो सिर्फ घोड़े और खच्चर के लिए है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आपको सांझी छत पे उतारते हैं, वहां से आपको कुछ 1 या 2 किलोमीटर चल के भवन तक जाना होता है। और भैरवनाथ के लिए, क्योंकि कहते हैं भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती, जो कि हमने इस बार नहीं किए दर्शन, पर क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हम 4 बजे वापस आए, हमारी 8 बजे की ट्रेन थी, तो हमने सोच लिया कि बस यहीं से भैरव बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। पर उसके लिए अगर आप दिन में जाते हो तो रोपवे की सुविधा है, जो कि 100 रुपए की टिकट है गोइंग एंड कमिंग बैक 100 रुपीज, जो कि बहुत ही सस्ती है, आप उससे जा सकते हो। और हाँ जी, दिस इज इट ऑल अबाउट वैष्णो देवी यात्रा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि शायद मैंने अगर मिस किया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, आई वुड लव टू आंसर। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।